G major, A minor,
चलिए देख लेते हैं इसका प्लकिंग पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो मैं जो यूज कर रहा हूं 5 4 2 3 1 2 3 2, ये है 5 4 2 3 1 2 3 2 5, इसको आप लिख सकते हैं 5 4 2 3 1 2 3 2। ठीक है, 5 4 2 3 1 2 3 2, ये स्ट्रिंग्स नेम है 5 4 5 4 2 3 1 2 3 2, आप इसको नोट कर सकते हैं। यही मैंने यूज किया है थ्रू आउट जो मतलब इनिशियल पार्ट है इसका। मैं कभी बदलाता नहीं पर धीरे से डरता हूं मैं। 5 4 2 3 1 2 3 2, ठीक है, तब इसकी जो रिदम है वो देख लेते कैसी है। एक जगह दो तीन जगह इसमें हाफ ऑफ बीट भी यूज हुई है, तो जैसे कि यहाँ पे पूरी रिदम यूज हुई है जब इसका बार बार पार्ट आता है, तो जो सिर्फ छोड़ो पे दो स्ट्रोक पड़ेंगे और बाकी के सी मेजर, जैसे पहले दो स्ट्रोक को एफ मेजर में पड़ रहे हैं तो बाकी के सारे स्ट्रोक सी मेजर में पड़ेंगे।
प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।